नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। रतलाम में 12 मरीज कोरोना पॉजिटिव आने और रतलाम शहर में 4 कंटेनमेंट एरिया बनाने के बाद सुबह पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत सिंह बाकरवाल सहित पुलिस टीम ने कंटेनमेंट एरिया के आसपास के इलाकों में लॉकडाउन को तोड़ने वाले बिना अनुमति सब्जी बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। टीम द्वारा सख्ती बरतते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर लाठी चलाई गई। कल ही कंटेनमेंट क्षेत्रों से लोगों के बाहर आने के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। Yeah, 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 y